भारतीय समाज में बेटियों के विवाह के समय भेंट स्वरूप कुछ दान देने की प्रथा चली आ रही है, लेकिन वर्तमान में ये प्रथा एक बुराई का रूप धारण करने लगी है। दहेज न देने पर योग्य बेटियों की शादी होने से पहले ही टूट जाती है। अधिक दहेज में कार मांगने का एक ऐसा ही मामला हतीन थाना क्षेत्र अंतर्गत गाँव मडनाका में सामने आया है, जहां गांव की बहादुर बेटियों ने दहेज के लोभी दुल्हों को बिना फेरे लिए ही दहलीज से वापस भेज दिया। गांव मडनाका निवासी एक व्यक्ति ने अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता पलवल जिले के गांव घोड़ी निवासी दो युवकों के साथ तय किया था। लड़की वालों ने 5 मई को सगाई वाले दिन हैसियत के हिसाब से दान स्वरूप सामान भी दिया, लेकिन शादी से एक दिन पहले शनिवार को लड़कों वालों ने लड़की वालों को फोन करके दहेज में 10 लाख रुपए नगद वे इतने बजट वाली कार की मांग की। उन्होंने धमकी दी कि कार न मिलने पर फेरे भी नहीं होंगे। इस पर लड़की वालों के सौजनों में चिंता की लहर दौड़ गई। रविवार को बारात गांव मडनाका पहुंची। जलपान के बाद दुल्हों को फेरे लेने के लिए बुलाया तो उनके पिता ने कार मिलने के बाद फेरे लेने की मांग रख दी। ये सुनते ही दुल्हनों ने दहेज के लालची दुल्हों के साथ फेरे लेने से मना कर दिया। गांव में दोनों पक्षों के पंचों की रात तक पंचायत हुई, जिसमें पंचों ने शादी में जो खर्चा हुआ उसे लड़की वालों को वापस देने का फैसला सुनाया। लड़के पक्ष की तरफ से लगभग 7 लाख लड़की पक्ष वालों को दिए गए। साथ ही लड़का पक्ष वालों ने ऐसा कृत्य करने पर सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी। वे दुल्हों के पिता का भी मुंह भी काला किया गया। बेटियों का यह फैसला जिले भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं चौकी प्रभारी राम किशन ने बताया कि बारात को बंधक बनाए जाने की उन्हें कोई सूचना नहीं मिली थी। भारत टीवी डेस्क से रिजवान खान की रिपोर्ट।